सिंगरौली जिले के सरई में कांग्रेस का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में मंडलम सेक्टर पदाधिकारियों को ट्रेनर रामशंकर मिश्रा ने प्रशिक्षण दिया, जिसके बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। मध्यप्रदेश की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही कांग्रेस पार्टी अब अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवा रही है। सरई में ट्रेनर रामशंकर मिश्रा ने कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आए। एनएसयूआई ने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंक दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के साथ जो बर्बरता हुई है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका जा रहा है। अपने खिलाफ विरोध के स्वर को दबाने के लिए शिवराज सरकार आंदोलनकारियों का दमन कर रही है। पुतला दहन तो हुआ है, जो मध्य प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन सरकार को ये अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि आम आदमी के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में, छात्रों के पक्ष में, उनके हित में कहीं भी कोई मांग करे। और जब भी कहीं कोई मांग होती है तो सरकार को क्या है, लाठीचार्ज करवा देंगे। तो अभी एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी और हमारी एनएसयूआई हर जगह, पूरे जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जहां पर भी है, ये पुतला दहन करके मुख्यमंत्री का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर सरकार का रवैया नहीं बदलता है, आज चुनाव का वक्त है, यदि सरकार इसी तरह से दमनकारी नीतियां अपनाएगी तो हम आगे चल के अपना भी जो आंदोलन है उसको उग्र करेंगे। अच्छा। और जो भी उसमें हान लाभ होगा वो सरकार की जवाबदारी होगी। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, saath hi global festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।